काम आज डिस्कस करेंगे मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। इसमें हम क्या चीज फाइंड करते हैं? सबसे पहली चीज बेटा इधर देखना आप लोग, इस स्टडी का पर्पस क्या है। अगर इसके पर्पस की बात करें तो बेटा इसके अंदर हम मास फाइंड करते हैं, मास ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, हमारे पास कोई कंपाउंड है, कोई एटम है, तो उसके अंदर आइसोटोप्स जो है उनका मास क्या क्या है। ठीक है, आ जाए उनका मास कितना है। इसी तरह इसके साथ बेटा हम रिलेटिव एटॉमिक मास भी फाइंड कर सकते हैं। उससे पहले रिलेटिव अबंडेंस फाइंड करते हैं कि कौन से आइसोटोप कितने हैं, इसको रिलेटिव अबंडेंस बोलते हैं। इसी तरह तीसरा पर्पस इसका है रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे पास आ जाता है। रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी चीज का एटॉमिक मास जो है उसको भी आपको पता तीन तरह का होता है, मास नंबर, एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास। ये तीनों डिफरेंट चीजें हैं। इसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, आपने शायद देखी होगी, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है और मास नंबर क्या है। मास नंबर नॉर्मली होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस, और ये हमेशा होल नंबर होता है, 2, 3, 4, 5, 6, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। लेकिन ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास है ना बेटा, ये फ्रैक्शन में हो सकता है, ठीक है ना, पॉइंट में आ सकता है, और ये मोस्टली आते ही पॉइंट्स में। दैट्स व्हाई हम इसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। और इसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहने की एक वजह ये भी है कि जो डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं ना किसी चीज के अंदर, उसका वो एक तो नहीं होता। मिसाल देता हूँ आपको एक जनरल, कि मैं हाइड्रोजन एटम ले आया, मतलब हाइड्रोजन कंपाउंड ले आया, उसके अंदर बहुत ज्यादा हाइड्रोजन के एटम्स थे, तो उन सब हाइड्रोजन के अंदर सारे के सारे प्रोटियम तो नहीं थे, सारे के सारे ड्यूट्रियम तो नहीं थे, सारे के सारे ट्रीटियम तो नहीं थे, ऐसे ही ना, कुछ उसमें प्रोटियम थे, कुछ उसमें ड्यूट्रियम थे, कुछ उसमें ट्रीटियम थे। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा सबसे ज्यादा कौन से हैं, सबसे ज्यादा प्रोटियम है, कौन से हैं, ऑलमोस्ट 99% जिसका मास नंबर 2 है। तो हाइड्रोजन के अंदर तीन तरह के एटम्स होते हैं, तो किसी भी कंपाउंड आप कह सकते हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर जितनी तरह के एटम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं आइसोटोप्स। समझ आ गई बात की? तो हाइड्रोजन के अंदर तीन तरह के एटम्स होते हैं, इस वजह से हाइड्रोजन के क्या है, 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। और जो सबसे ज्यादा है, बाकी दूसरा कितना है, सबसे ज्यादा है फॉर एग्जांपल प्रोटियम, 99% है, तो जो फिर प्रोटियम की रिलेटिव अबंडेंस क्या हो गई, 99। अच्छा, इसी तरह ड्यूट्रियम दूसरे नंबर पे है, तो उसकी रिलेटिव अबंडेंस क्या हो गई, रिलेटिव अबंडेंस का मतलब है दूसरे के लिहाज से ये कितना ज्यादा पाया जा रहा है, समझ रहे हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव अबंडेंस। तो हम रिलेटिव अबंडेंस फाइंड करते हैं, मास ऑफ आइसोटोप फाइंड करते हैं और रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करते हैं। अब हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले मास स्पेक्ट्रोमेट्री को बड़ा समझिएगा, इसमें किया क्या जाता है, इसमें आपके पास एक मशीन होती है इस तरह की, उसके सबसे स्टार्ट पे बेटा लगा होता है, इसको हम वेपोराइजर बोलते हैं। क्या लगा होता है, वेपोराइजर। इसमें हम अपना कंपाउंड डालते हैं और उसको लिक्विड है, सॉलिड है, तो उसको गैस बना देते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे यहाँ पे लगा हुआ है आयोनाइजर, ये इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है जिसमें से बहुत ज्यादा स्पीड के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो इसमें से जो गैस बनी है उसको आयोनाइज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगी होती है, हमने बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगाई होती हैं ताकि ये वाले जो आयन्स हैं वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से इस तरफ आगे की तरफ जाएं और हम उनको सेपरेट कर सकें। फॉर एग्जांपल ये वाला आपके पास एक प्लेट, एक प्लेट आपके पास ये है, और ये नॉर्मली हमने परफोरेटेड रखी होती हैं ताकि इनके अंदर से वो पास कर जाए। ठीक है, ले भाई ये हमने ऐसे कर दी, परफोरेटेड कर दी, एक के ऊपर हमने कर दिया पॉजिटिव चार्ज और एक के ऊपर कर दिया हमने नेगेटिव चार्ज। और ये जो बैटरी जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं बेटा, ये भी बहुत हाई होते हैं, ऑलमोस्ट 500 टू 2000 वोल्ट्स, इतनी ज्यादा पावरफुल हमने लगाई होती। आगे फिर हमने यहाँ पे दो मैग्नेट रखे होते हैं बड़े बड़े, एक मैग्नेट यहाँ पे लगाया होता है जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, और एक मैग्नेट हमने यहाँ पे लगाया। हम इसका क्या पर्पज है वो भी आपको बताता हूँ। मैग्नेट जो होते हैं ना बेटा, वो ये काम करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल हमने जो एलिमेंट लिया था उसके अंदर से 3 आइसोटोप्स थे और तीनों का मास अलग अलग था। अब अगर वो पीछे से सीधे आ रहे हैं एक ही लाइन में, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करूंगा तो एक ही जगह पर गिर जाएंगे, सेपरेशन शो नहीं करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड जब लगाऊंगा ना, जो सबसे हल्का होगा वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा, ऐसे ही ना, जब वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होगा तो वो ज्यादा बड़े कलेक्टर पे गिरेगा, समझ गए। और इस तरह जिसका मास ज्यादा होगा वो आपके पास करीब गिर जाएगा, जिसका मास सबसे कम होगा वो बहुत आगे जाके गिरेगा, समझ आ गई बात की।
इस तरह हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब होगा क्या, अब इस मशीन को मैं थोड़ा सा पैक कर देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। इस तरह से यहां पे ये आपके पास मशीन बन गई है। यहां पे आपके पास पता लगा होगा एक कलेक्टर, यहां पे आपके पास एक लगा होगा कलेक्टर जो इसको अब्सॉर्ब करेगा, या इसको डिटेक्टर भी कहते हैं। उसके ऊपर आगे गिरेंगे वो आइसोटोप्स, और आगे बेटा इसके साथ फिर हम एम्पलीफायर लगाया होता है, एम्पलीफायर जो कि सिग्नल को एम्पलीफाई करके ग्राफ बना के हमें इंफॉर्मेशन देता है। या आपके पास इस तरह का एक ग्राफ आ जाए। अब सबसे पहले हमने क्या किया, हमने अपना सैंपल ले लिया जो कि लिक्विड स्टेट में था, उसको इतना ज्यादा हीट किया जाता है कि वो वेपर बन गया, और वो वेपर यहां से आगे की तरफ जा रहे हैं। जब वो यहां पहुंचेंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे हाई स्पीड, और उन इलेक्ट्रॉन्स की पावर 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और वो इतने हाई स्पीड होते हैं कि जैसे ही वो इन मॉलिक्यूल्स के साथ टकराते हैं, इन मॉलिक्यूल्स को आयंस में शिफ्ट कर देते हैं। दो केसेस हो सकते हैं, ये हो सकता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो उस मॉलिक्यूल के साथ टकराए और उसके अंदर अब्सॉर्ब हो गए नेगेटिव चार्ज, या ये हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन उस मॉलिक्यूल के साथ टकराए और उस मॉलिक्यूल का भी इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। एक इलेक्ट्रॉन ये खुद और एक उसके अंदर से निकला, कितने हो गए, दो इलेक्ट्रॉन। और फिर इस मॉलिक्यूल पे यहाँ इस पार्टिकल पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो कहा यह जाता है कि नीचे वाला केस ज्यादा ऑथेंटिक होता है, हम नीचे वाले केस को ही डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक हुए और इन चार्जेस के साथ टकराए, और इन चार्जेस के ऊपर बेटा कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाला जो पॉजिटिव प्लेट है ना, ये तो उसको रिपेल करेंगे, बड़ी बड़ी स्पीड से यहाँ से पास होते हैं, तो जैसे यहाँ से पास हो जाएंगे तो ये पॉजिटिव प्लेट बेटा इसको रिपेल करेगी, और नेगेटिव प्लेट जो है इन चार्जेस को अट्रैक्ट करेगी। अब ये तीन चार्ज जो है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक लाइन में आ रहे हैं, ठीक है, और साथ ही आगे मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया हो, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इन चारों का जो बेटा डिस्टेंस है ये इधर जाके गिरेगा, ये वाला पार्टिकल हो सकता है यहाँ पे गिर जाए और ये वाला पार्टिकल यहाँ पे गिर जाए, मतलब ये सर्कुलर फॉर्म में गिरेंगे और हम क्या करेंगे इनको डिटेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया, हमारे पास हमने कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया उसकी वैल्यू भी है, खुद अप्लाई किया उसको एच बोलते हैं, हमने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया ई, उसकी वैल्यू भी हमारे पास होती है, और इसका रेडियस भी हमारे पास होता है कि कितने सर्कल से गिरा, मतलब ये ज्यादा इसने ये बड़ा ज्यादा बड़ा सर्कल बनाया क्योंकि इसका मैस और कम था। तो आपके पास एक यहां पे इस तरह का ग्राफ बन गया जाएगा, वो जरा देख लीजिएगा इस तरह का। अब इस वाली साइड पे बेटा आता है मैस ओवर जेड, मतलब मैस नंबर होता है इस साइड पे, और इस साइड पे आपके पास होती है रिलेटिव अबंडेंस, जिसकी मैंने अभी आपको बात बताई, रिलेटिव अबंडेंस परसेंटेज, रिलेटिव अबंडेंस हमेशा परसेंटेज में होती है। आपके पास इस तरह की ना बेटा, सपोज करें यहां पे वैल्यू है, यहां पे लिख देता हूं 35, यहां पे 36, यहां पे 37, यहां पे 38, और यहां पे आप 36, और ये वैरी कर सकती है एलिमेंट टू एलिमेंट, क्योंकि मैंने क्लोरीन गैस ली हुई थी, क्लोरीन कंपाउंड लिया हुआ था, क्लोरीन एलिमेंट लिया हुआ था, इस वजह से मेरे पास दो पीक्स आई, एक पीक आई मेरी 35 पे यहां इतनी बड़ी, और एक मेरे पास पीक आई 37 पे ऑलमोस्ट इतनी। तो ये वाली पीक बेटा 75% पे थी और ये वाली पीक आई 25%। अब मैंने इसको देखना है, इसको देखना इस वाले कंपोनेंट को, इस वाले ग्राफ को, ये वाला ग्राफ मुझे क्या बता रहा है, ये वाला स्पेक्ट्रा मुझे दो चीजें जो है वो बता रहा है। पहली चीज तो मुझे ये बता रहा है कि इसमें टोटल पीक्स कितनी है, कितनी लाइंस आएंगी बेटा, नंबर ऑफ लाइंस, कितनी लाइंस आई है इसमें, दो आई है, तो जिससे बेटा नंबर ऑफ लाइन से ये पता चलता है नंबर ऑफ आइसोटोप्स। इसका मतलब है क्लोरीन जो है उसके दो आइसोटोप्स है, ठीक है, क्लोरीन एलिमेंट। अच्छा, दूसरे नंबर पे मुझे उसने क्या बताया, हाइट। तो हाइट जो है बेटा वो हमें क्या बताती है कि कौन सा आइसोटोप ज्यादा है, हाइट ऑफ लाइंस कह लें या बार कह लें, हाइट से हमें क्या चीज पता चली, रिलेटिव अबंडेंस। रिलेटिव एमसीक्यू बता सकते हैं, रिलेटिव अबंडेंस की हाइट क्या बताती है और ये चीज क्या बताती है। अब हमें ये पता चला कि अगर मैं 100 पार्टिकल्स लेता हूं, ये समझिएगा बात, हमें ये पता चला कि अगर मैं 100 पार्टिकल्स लेता हूं नेचुरल सीएल के, क्लोरीन एलिमेंट के, तो उसके अंदर 75% वो वाला क्लोरीन है जिसका एटॉमिक मास कितना है 35, समझ रहे, और उसमें से 25 वो वाले एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं जिनका एटॉमिक मास कितना है 37, समझ आ गया ना रिलेटिव अबंडेंस का, कि ये 100 में से 75 ये होते हैं क्लोरीन, अगर मैं 100 पार्टिकल्स ले रहा हूं तो उनमें से 75 ये होते हैं और 25
ये होते हैं। इसी तरह अगर मैं 100 पार्टिकल्स ले लूं हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के कितनी पीक्स आएंगी यहाँ पे, कितनी आएंगी, 3 आएंगी, क्यों, उसके 3 आइसोटोप होते हैं और उसमें पहली पीक ही है कितनी आएगी 99%, क्यों, क्योंकि जो प्रोटियम होता है ना वो 99% होता है, मतलब 100 में से 99 जो है वो प्रोटियम होंगे, बाकी आधा या उससे भी कम जो है थोड़ी सी परसेंटेज जो है वो ड्यूट्रियम और ट्रिटियम की होगी। अभी हम ग्राफ डिस्कस कर रहे हैं क्लोरीन का। अब बेटा Cl35 की रिलेटिव अबंडेंस क्या आई है 75% और इसकी रिलेटिव अबंडेंस क्या आई है 25%। अब अगर कोई शख्स ये कहे कि क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है तो अब आप ये भी नहीं कह सकते कि 35 है और आप ये भी नहीं कह सकते कि 37 है, क्यों, क्योंकि अगर आप 35 कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप 37 वालों को निग्लेक्ट कर रहे हैं जो कि 25% है, और अगर आप 37 कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है आप 35 वालों को निग्लेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए फिर हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास नहीं निकालना, एवरेज तो ये बनता है ना 35 + 37 / 2 36 आएगा, तो क्लोरीन का कितना एटॉमिक मास हम लेते हैं 35.5, तो 35.5 कैसे आता है, इसका मतलब हम इसका एवरेज नहीं लेते, हम रिलेटिव एटॉमिक मास लेते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है वो नोट कर लीजिएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू, आपने क्या करना बेटा, ये जो मास नंबर आया है 35 वाला आइसोटोप इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसकी रिलेटिव अबंडेंस के साथ प्लस दूसरे आइसोटोप का जो मास है उसको मल्टीप्लाई कर देना उसकी रिलेटिव अबंडेंस के साथ, ठीक हो गया, और डिवाइडेड बाय आपने कर देना है 100, डिवाइडेड बाय क्या कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ Cl एटम जो कि आपके पास आ जाएगा 35.5। तो हम ये वाला लेते हैं, तो हम जो अपने एटॉमिक कैलकुलेशंस के अंदर जो मास लेते हैं ना एलिमेंट्स का, वो एटॉमिक मास नहीं होता, वो मास नंबर भी नहीं होता, वो क्या होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, और रिलेटिव एटॉमिक मास सिवाय कार्बन के, कार्बन C12 आइसोटोप के सब का बेटा फ्रैक्शन में होता है, ऐसे पॉइंट्स में आता है। तो ये आपके पास एक छोटा सा आर्टिकल है जिसके मैंने यूजेस बताए हैं, अभी आपकी बुक पे एक एग्जांपल है जिसको आप लोग करेंगे और उसको कैलकुलेट करके बताएंगे कि उसका कितना रिलेटिव एटॉमिक मास है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।